अगर आपको भी मेरी तरह मैगी बहुत पसंद है तो ये चीज़ी क्रीमी सूपी मैगी नूडल्स आपको बहुत पसंद आएंगी। चीज़ी मैगी के लिए एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। गार्लिक का टेस्ट चीज़ी मैगी में बहुत अच्छा आता है। इस पॉइंट पे आप इसमें डालें गाजर। गाजर हम पहले डाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये अच्छे से कुक हो जाए। अगर आप मटर डाल रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे डालें। मैं फ्रोज़न मटर ले रही हूँ जो ऑलरेडी प्री बॉइल्ड हैं, तो मैं बाद में डालूँगी। आप देखें 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। वेजीज आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। अब आप इसमें डालें थोड़ा नमक, ज़्यादा नहीं, बिकॉज चीज़ इसमें जाएगा जिसमें नमक ऑलरेडी होता है और मैगी मसाले में भी नमक है। तो अब हम इसे ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि टमेटोज हमारे सॉफ्ट हो जाएं। आप देखें ये अब काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप इसमें डालें मटर, उसी के साथ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। मैंने बहुत तरीके की मैगी बनाई है, डिफरेंट टाइप्स की मैगीज बनाई हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। अब आप इसमें डालें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और बहुत ज़रा सा गरम मसाला। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी, ताकि जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे वो अच्छे से पक जाएँ। अब 1 मिनट तक हमने इसे पकाया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी पानी। चीज़ी मैगी में पानी आप हमेशा थोड़ा ज़्यादा डालें, ताकि वो जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो पाए। अगर आप कम डालेंगे तो वो बड़ा लंपी सा होगा। तो अब आप इसमें डालें मैगी मसाला, और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 पैकेट मैगी। तो इसको अब आप ढक के 1 से 2 मिनट तक पकाएं। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें ये धीरे धीरे सॉफ्ट होती जाएगी। जनरली जैसे हम मैगी बनाते हैं वैसे ही हमें इसको बनाना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो हम इसे कुक करेंगे 70-80% तक। उसके बाद हम इसमें अपना चीज़ डालेंगे। अब आप देखें अगर मैगी को, तो ये इस पॉइंट पर अराउंड 70% तक कुक हो चुकी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने ये एक चीज़ क्यूब को छोटा छोटा काट लिया है। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चीज़ स्लाइस। आप हमेशा इसमें प्रोसेस चीज़ यूज़ करें या चीज़ स्लाइस यूज़ करें, मोज़रेला नहीं करें, बिकॉज़ वो बहुत स्ट्रेची होता है और जो प्रोसेस चीज़ है, जो चीज़ स्लाइस है, वो बहुत क्रीमी होता है। तो ये चीज़ आपकी मैगी को बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सा चीज़ी फ्लेवर देगा। तो आप देखें क्योंकि हमने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है, आप ध्यान दें बहुत मज़ेदार लग रही है ये। इसी के साथ मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच मेयोनेज़। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया फ्लेवर देगी। नहीं है तो आप स्किप कर दें, बट अगर हैं तो आप ज़रूर डालें। आप इसी पॉइंट पे कलर देखें, बहुत अच्छा चीज़ी बढ़िया लग रहा है। तो आप इसे 1 से 2 बॉइल्स दें, बस बिल्कुल बनके झटपट से तैयार है बहुत ही चीज़ी मैगी। अगर आप चाहते हैं मैं और भी मैगी की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, मैं बहुत सारी मैगी रेसिपीज़ बनाती हूं, तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई पर्सनल फेवरेट है जो आप चाहते हैं मैं बनाऊँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएँ। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।